आज मैं बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी बनाने जा रही हूँ। बनाने जा रहे हैं मसाला पापड़ कॉर्न, जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और जिसको मैंने खूब सारी वेजेस डाल के थोड़ा मेकओवर दे दिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से कॉर्न बनाए हैं। ये कॉर्न मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए हैं। मैंने इस तरह से एक पापड़ लिया है, इसको मैंने सेमी सर्कल में कट कर दिया है। देखिए इस तरह से, और इसे मैं इस तरह से इसके कोन बना दूंगी, और यहां से इसको कर दूंगी एक टूथपिक से टाई अप कर देंगे इसे। इस तरह से मैं दोबारा बता रही हूँ, आपको एक सेमी सर्कल पापड़ लेना है, उसको आपने यहाँ से इस तरह से कोन बनाना है और जस्ट एक टूथपिक से इसको बंद कर देना है, और इसी तरह से हम इसे माइक्रोवेव में रख देंगे। अब इसे हम माइक्रोवेव में रख देंगे तकरीबन हाफ अ मिनट के लिए। हमने सिर्फ इसे 30 सेकेंड्स तक ही चलाना है, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना या लाल नहीं करना है। बस देखिए इस तरह से हमारे ये कॉर्न रेडी हो गए। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। तो कॉर्न तो हमारे रेडी हो गए हैं, अब इसमें जो हमने ये टूथपिक लगाई थी इसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए ये कॉर्न तो रेडी हो गए हैं। अब इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं, हेल्दी वाला मसाला। मसाला पापड़ कॉर्न बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, और ये चने की दाल वाली नमकीन, आप कोई भी नमकीन यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में मैं इसमें ले रही हूँ बॉइल्ड स्वीट कॉर्न और थोड़ा सा नींबू और थोड़े मसाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ बारीक कटा प्याज, करीब एक प्याज लिया है मैंने, और फिर साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे टमाटर, और अब इसमें डाल रहे हैं थोड़े से बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, और अब इसमें डाल रहे हैं वाइट स्वीट कॉर्न। बच्चों को वेजेस खिलाने का बहुत अच्छा तरीका है ये। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं ये नमकीन आती है चने की दाल की नमकीन, तो ये मैं डालती हूँ। आप कोई भी नमकीन यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छी लगे। तो ये एक तरह की भेल वाली चाट बन जाएगी। और अब इसमें कुछ मैं डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते, जस्ट ऐसे ही क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। आप अपने मनपसंद कोई भी इसमें वेजेस ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। आप चाहे तो इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पुदीना लिया फ्रेशनेस के लिए, और अब थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आपको बच्चों को देना है तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। और अब साथ ही में मैं मसालों में इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। मैंने यहाँ पर डेगी मिर्च ली है जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा, और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं चाट मसाला। आप नमक अपने स्वादानुसार ही डालिएगा, क्योंकि पापड़ में भी ऑलरेडी नमक होता है, वो थोड़े सॉल्टी होते हैं, तो नमक उस हिसाब से ही डालिएगा। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं एक आधा नींबू का रस, दैट्स इट। और देखिए कितना कलरफुल बन गया है हमारा मसाला पापड़, और बस अब इसे हम सर्व कर लेंगे अपने पापड़ कॉर्न में। देखिए अब हमारे कॉर्न भी रेडी और मसाला भी रेडी। अब इस कॉर्न को लेंगे और इसमें ये मसाला भर देंगे और इसे डाल देंगे इस शॉट ग्लास में, और इस ग्लासेस के अंदर भी थोड़ा सा मसाला डाल देंगे इसके ऊपर। तो देखिए बन गया मसाला शॉट। इसी तरह से बाकी ग्लासेस भी हम सर्व कर लेते हैं।
और इसे रख लेंगे हम एक सर्विस ट्रे में और इसे रख लेंगे हम एक सर्विस ट्रे में इस तरह से और इसके ऊपर लगा देते हैं हम एक पुदीने का पत्ता इस तरह से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा रेड चिली पाउडर जिससे ये और भी टेम्पटिंग लगेगा। तो रेडी है मेरे मसाला पापड़ गोल। देखिए कितने कलरफुल और कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं एंड वेरी एपेटाइट फॉर हंगर। और अगर कोई रूठा हो ना तो उसके सामने ये बनाकर रख देना, फिर देखना जादू।